तो हम लोग ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में जो पिछले लेक्चर में कुछ चीजें पढ़ी थी उसको थोड़ा और बेहतर समझते हैं। और बेहतर समझते हैं का मतलब, जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ तो ताकि थोड़ा सा हमारी समझ बेहतर बने। मान लेते हैं मुझसे साइन इनवर्स साइन पाई बाय थ्री मान लो, और एक दूसरा ये ले लेते हैं साइन वर्स साइन टू पाई बाय थ्री। मान लेते हैं मुझसे ये दो वैल्यूज पूछी जाए, तो पहले मैं फॉर्मूला कल जो था प्रिंसिपल इंटरवल की बात हो रही थी, तो साइन वर्स साइन एक्स की वैल्यू एक्स थी अगर एक्स माइनस माइनस पाई पाई बाय बाई टू बीच पाई बाई टू के बीच में है। में है। तो ये जीरो, ये पाई बाई टू और ये माइनस पाई बाई टू। तो पहले में पाई बाई थ्री है, तो पाई बाई थ्री जो होगा वो यहाँ होगा ना पाई बाई टू से थोड़ा। पाई बाई थ्री, पाई बाई थ्री 60 डिग्री हुआ, हाँ पाई बाई टू 90, तो थोड़ा तो इसी जोन में आ रहा है ना, हाँ ठीक हो गया। तो इसी जोन में आएगा तो ये एक्स ही आना चाहिए, तो ये आंसर पाई बाई थ्री है। हाँ लेकिन 2π/3 तो 120 डिग्री हुआ, ये तो बाहर चले गया। 2π/3 जो हमारा है वो अगले वाले में पाई बाय टू से 3π/3 थ्री है। तो बीच में होगा। हमने इसको ऐसे पढ़ा था कि ये जो वैल्यू होगी ये पाई π/3, माइनस तो ये पाई माइनस एक्स टी जो ऊपर, टू पाई बाई थ्री तो तो पाई ये बाई भी थ्री पाई बाय थ्री ही आएगी, हाँ ये समझना है। तो हमें ये जो ट्रल पढ़ा हमने पिछले लेक्चर में ये वाला, आपको ये काफी महत्वपूर्ण रिजल्ट था, इसमें कोई डाउट थोड़ी होगा वैसे। नहीं, क्लियर है। अच्छा, क्रॉस वाला ट्राई किया था क्या? क्रॉस क्रॉस वाला वाला कर लेना, मतलब वो जरूरी है, हाँ उसको समझना जरूरी है। इस आधार पर हम लोग, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई जैसे इसमें y इक्वल टू टेन इनवर्स, इस सवाल को लिखना अंडर रूट 1 माइनस क्रॉस एक्स अपॉन 1 प्लस क्रॉस एक्स। मेरे ख्याल से 1 प्लस क्रॉस एक्स भी रूट के अंदर ही है, और एक्स की वैल्यू माइनस पाई से प्लस पाई के बीच है। तो हमसे कहा इसको सॉल्व करो, ठीक है? हाँ तो भाई हमने क्रॉस का वो फॉर्मूला लगाना है जिससे कि 1 हट जाए। तो यहाँ 1 माइनस 1 प्लस 2 sin² x/2 मैंने डायरेक्ट लगा दिया, हाँ और नीचे 1 प्लस 2 cos² x/2 -1 ये। तो -1 + 1 कट जाएगा, 2 भी कट जाएगा, अंडर रूट, अच्छा बाहर से 10 इनवर्स, ठीक है, और ये क्या बचेगा, 10x/2, हाँ 10x/2 टेन या टेन स्क्वायर स्क्वायर एक्स तो एक फंडामेंटल चीज को याद रखना है कि अंडर रूट x² कितना होता है, मॉड ऑफ एक्स मॉड ऑफ एक्स। तो अंडर रूट x² 10 स्क्वायर है, तो ये कितना आएगा, मॉड ऑफ 10x/2 मतलब। हाँ मॉड ऑफ 10x/2, वाई इतना आ गया। इतना समझ में आया? हाँ चलो ठीक है। अब इससे यहां जो दिया हुआ है x कहाँ दिया हुआ है, वहां से देखो x ये दिया हुआ है, तो x/2 कहाँ होगा,
मैं माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, तो ये 10 के लिए प्रिंसिपल इंटरवल है। ठीक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय एक्स टू बाय टू माइनस। को थीटा समझ लो ना, हाँ ये जो एंगल है, ठीक हाँ है। चलो अब 10 की वैल्यू के बारे में सोचो, माइनस पाई बाय टू से 0 के बीच क्या होगा? एक्स बाय टू, देखो 0 से पाई बाय टू के बीच तो कोई दिक्कत नहीं है ना, अगर एंगल यहां हो तो। हाँ भाई 0 से पाई बाय टू के बीच तो जानते हो ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं तो 10 भी हाँ पॉजिटिव होते हैं। हाँ पॉजिटिव जो चीज होती है उसका मॉड लेके कोई फायदा नहीं। तो वो तो 10x/2 ही आएगा तब। हाँ ये इसके साथ है, लेकिन बेटा अगर दूसरा जो है माइनस पाई बाय टू से 0 के बीच है, तो ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ, फोर्थ हाँ में 10 क्या होता है? प्लान होता है नेगेटिव। नेगेटिव। जो चीज नेगेटिव है उसका मॉड ले रहे हो तो क्या आएगा? पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब उसका नेगेटिव। हाँ तो एक माइनस साइन आएगा, हाँ यहाँ पर माइनस है। हाँ ये दिख नहीं रहा है, यहाँ पर माइनस है क्योंकि तो 10x/2 नेगेटिव है, तो जो चीज नेगेटिव है उसका मॉड में बाहर से एक माइनस लग जाएगा। थोड़ा सा मैं बता दूं, 10 माइनस थीटा जो होता है वो माइनस ऑफ 10 थीटा होता है। हाँ, क्योंकि साइन थीटा अपन कॉस थीटा करके करेंगे तो तो पहले वाले कॉस को, माइनस। हाँ मैं एक साथ ही काटूंगा, मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ इसको, मैं ऐसा लिख देता हूँ, अगर एक्स जो बाई टू जो है वो 0 से पाई बाई टू के बीच है, और इसको लिख देता हूँ 10 इनवर्स, जो बाहर 10 माइनस था उसको मैं कहाँ डाल देता हूँ? अंदर -x/2। तो अब क्योंकि प्रिंसिपल इंटरवल है तो यहाँ 10 इनवर्स 10 कट जाएगा ना, हाँ तो इसकी वैल्यू आ गई टेन x/2। इनवर्स, अंदर भी 10 इनवर्स -x/2 लिखा है। हाँ अंदर सॉरी वो 10 था, तो 0 से पाई बाय टू के बीच में इसकी वैल्यू 1/2 है, और माइनस पाई बाय टू से 0 के बीच में इसकी वैल्यू -x/2। हमने अभी कोई डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन कुछ नहीं किया, हमने केवल सिंप्लीफाई किया है। हाँ जो एक्सप्रेशन आपको दिया गया था उसको सरल शब्दों में व्यक्त कर दिया हमने। अब अगर कोई मुझसे पूछे इसका डिफरेंशिएशन तो कर देंगे, इस जो ऊपर वाले जोन में 1/2, नीचे वाले जोन में -1/2। आया नहीं आया समझ? आया। डीवाई अपॉन डीएक्स निकालना कोई बड़ा काम नहीं है, जो बड़ा काम है वो सिंप्लीफाई करना है। हाँ तो ये हमने सिंप्लीफाई किया, कैसा लगा? बढ़िया। चलो कुछ और भी करते हैं, थोड़ा सा काम ऐसा ही एक और काम करते हैं, सिंप्लीफाई वाला ही। वाई इक्वल टू 10 इनवर्स कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, और एक्स माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच है। चलो इसे देखते हैं, ठीक है। हाँ अगर हम इसे कॉस 2x और साइन 2x का फॉर्मूला और 1 को साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 करके लिखें तो। तो मतलब ये कॉस मैं सोच रही हूँ अभी, मुझे भी नहीं पता। स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू,
ये तो क्रॉस एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। अच्छा, हाँ क्रॉस स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, ये वन, हाँ और साइन को तोड़ दो, टू साइन एक्स बाय टू। हाँ यार, ये तो बढ़िया हो गया, ऐसा कर लेते हैं। तो हमने ये बना लिया, ठीक है। तो यहां से लिख लिया, हाँ लिख लिया। ऊपर जो है बेटा वो फैक्टराइजेशन करो, क्रॉस एक्स बाय टू, माइनस साइन एक्स बाय टू इंटू कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू। क्रॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू, और नीचे ये कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू का हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है। अब ये देखना एक्स बाय टू में बड़ा कौन है, कॉस या साइन, क्योंकि ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो उतना ही होता है जितना बी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो नीचे वाले हाँ क्या लिख रहे हैं ये देखना है। देखो एक्स आपको दिया हुआ है सबसे ऊपर, देखो तो एक्स बाय टू कहाँ होगा, ये होगा फिर माइनस पाई बाय फोर से पाई बाय फोर के बीच में। ठीक, जिसको साइन और क्रॉस का ग्राफ आता है उसके हिसाब से सोचो, ये क्रॉस का ग्राफ है और ये साइन का ग्राफ होता है। साइन का ग्राफ जो होता है पाई बाय टू पे मैक्सिमम होता है ना, हाँ ये पाई पे जीरो, तो ये वाई प्रोटो साइन एक्स हुआ या नहीं, हाँ अरे माइनस पाई बाय टू है यहां पर, तो हमें माइनस पाई बाय फोर यहां होगा और प्लस पाई बिल्कुल बाय फोर यहां होगा, हाँ ये कॉस एक्स्ट्रा ग्राफ है। साइन का ग्राफ बनाओगे तो नीचे जाएगा ऐसे। तो बेटा ये हाँ बताओ कि माइनस पाई बाय फोर से प्लस पाई बाय फोर के बीच में बड़ा कौन है, कॉस या साइन, जिसका ग्राफ ऊपर होगा वो बड़ा होगा। कॉस हाँ, क्रॉस बड़ा होगा, तो यहाँ हाँ कितनी सारी नॉलेज लगी, क्रॉस बड़ा होगा, तो आप कह सकते हैं कि क्रॉस ऑफ एक्स बाई टू इज ग्रेटर देन साइन एक्स बाई टू इन माइनस पाई बाय फोर से पाई बाय फोर, क्रॉस बड़ा है कोई दिक्कत नहीं है, ये अल्टीमेट रीजनिंग है। तो फिर अगर साइन बड़ा होता तो मैं इसे साइन माइनस क्रॉस का होल स्क्वायर लिखता, अब हाँ क्रॉस बड़ा है तो क्रॉस माइनस साइन कोई दिक्कत नहीं है, तो ये एक पावर कट जाएगी, अब ऊपर बचेगा क्रॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय साइन टू, एक्स बाय और टू नीचे बचेगा क्रॉस एक्स बाय टू माइनस, साइन एक्स बाय टू क्रॉस कॉमन ले लेते हैं ऊपर नीचे से, तो वन प्लस टेन एक्स बाय टू अपॉन वन माइनस टेन एक्स बाय टू लिख सकते हैं ऐसा, क्रॉस कॉमन ले दो, हाँ इसको टेन पाई बाय फोर लिख सकता हूं, वन को वन माइनस टेन पाई बाय फोर टेन एक्स बाय टू, क्या ये ठीक है। हाँ तो फिर ये टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया, हाँ हाँ
अब फिर वही एक्स बाई टू हमें पता है क्या है, एक्स बाई टू ये है, तो उसमें पाई बाय फोर और जोड़ो, तो एक्स बाई टू सब में पाई बाय फोर जोड़ दो तो ये पाई बाय टू हो जाएगा और ये जीरो। ठीक है, यहां से ले लिया मैंने, अरे टर्म में पाई बाय फोर जोड़ दो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ अच्छा, तो फिर अब इसमें क्या किया जा सकता है, जब ये प्रिंसिपल इंटरवल में है तो टेन इनवर्स टेन थीटा ही रहेगा केवल कट कुट के, तो इसे आंसर आ गया पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू। वही प्रिंसिपल इंटरवल में है तो टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा क्या होगा, थीटा होगा केवल, तो वाई इतना आ गया, तो बस हो गया, ये सिंप्लीफाई हो गया। एक्चुअल में वो जितना ऊटपटांग लिखा गया था वो यही था बस। अब अगर कोई आपसे हाँ डिग्री पूछ ले तो 1/2 आ जाएगा। तो ये है हमारे पास। ठीक, क्लियर है। हाँ, अच्छा, बीच में क्या हुआ, सिग्नल नहीं आ रहे थे? अच्छा, सिग्नल नहीं आ रहे थे, मौसम खराब है यहाँ शायद इस वजह से। तो मैं ये कह रहा हूं टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा वाला लॉजिक सोचो, जो पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू है एंगल, वो बेसिकली जीरो हाँ से पाई बाई टू के बीच में आया है, और हाँ पहले हमने देखा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एंगल प्रिंसिपल इंटरवल में है, तो टेन इनवर्स ऑफ टेन कट आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल थीटा बचेगा, तो हाँ इतना ही हो गया ये। अब इसका डिफरेंशिएशन में क्या बचा है, पाई बाई फोर का 0, एक्स बाई टू का 1/2। अभी तो पूछा भी नहीं है डिफरेंशिएशन, अभी तो सिंप्लीफाई करने को पूछा था केवल, हाँ तो सिंप्लीफाई कैसे करते हैं ये क्लियर हुआ। हाँ अच्छा, अब कुछ सरल चीजें हम लोग, अरे इसमें मैं कुछ और बताने में इंटरेस्टेड था, ये फॉर्मूले लोग कम पढ़ते हैं लेकिन मुझे लगता है हमने इसे इस पे बात करनी चाहिए उससे पहले। कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले हैं उन पे बात कर लेते हैं, ये इस तरह से तोड़ने हैं। ऐसा एक आध सवाल और देखता हूँ मैं, ठीक। ऐसे सवाल एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन है, चलो इसको सिंप्लीफाई करना है। वाई इक्वल टू कॉट इनवर्स, अभी दिक्कत आई थी, मैं टेन इनवर्स वाला ही बता देता हूँ। टेन इनवर्स √1 cos x प्लस √1 cos x, काफी फेमस क्वेश्चन है, अपॉन √1 cos x −√1 cos x, इसकी वैल्यू निकालनी है, और एक्स जो है वो पाई से 3π/2 के बीच में दिया हुआ है, ये है क्वेश्चन हमारा। ठीक है, कॉस का वो फॉर्मूला लगाएंगे इससे 1 हट जाए हमेशा की तरह, टेन टू एक्स बाई टू माइनस वन इनवर्स 1 + 2 cos² x/2
-1 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, यही चीजें नीचे भी लिखनी है। 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 माइनस रूट 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो देखो बेटा क्या क्या हटेगा इसमें। हाँ वन तो खैर हट ही गया है, बाकी सभी से टू टेन भी इनवर्स रहेगा। एक्चुअली ये मॉड ऑफ हाँ एक्स बाई टू हाँ मॉड ऑफ प्लस मॉड माइनस ऑफ एन एक्स बाई टू ऐसे नीचे अपॉन कॉस एक्स बाई टू माइनस मॉड ऑफ साइन एक्स बाई सेकंड। टू हाँ अब मॉड के लिए ये जो एंगल दिया हुआ है ये महत्वपूर्ण है। एक्स आपका पाई से 3π/2 के बीच है, तो एक्स तो एक्स बाई बाई टू पाई बाई टू पाई बाई फोर 2 से आगे 3π/4, तो सेकंड क्वाड्रेंट हुआ। हाँ इसमें तो नेगेटिव हो एक्स बाई टू को थीटा समझ लो ना, हाँ उसमें तुमने साइन और क्रॉस ले रखा है, तो यहां पर साइन एक्स बाई टू तो पॉजिटिव होगा। हाँ लेकिन कॉस एक्स बाई टू नेगेटिव हो जाएगा तो जो कुछ चीज पॉजिटिव होती है उसका मॉड तो उतना ही रहेगा, क्रॉस हाँ नेगेटिव है तो मॉड ऑफ क्रॉस एक्स बाई टू क्या आ जाएगा, माइनस क्रॉस एक्स बाई टू। क्योंकि हाँ क्रॉस अगर नेगेटिव है तो माइनस क्रॉस पॉजिटिव होगा, और हाँ मॉड्यूलस का जो पर्पज है वो भी तो यही था। तो जिन बच्चों को ये सारी चीजें क्लियर हैं वो वैल्यू रखेंगे, मॉड ऑफ क्रॉस एक्स बाई टू तो माइनस क्रॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू अपॉन माइनस क्रॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। तो डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए, कुछ नहीं है। क्या मैं समझा पाया? हाँ क्लियर है तो क्रॉस माइनस कॉमन ले लो बेटा, बल्कि माइनस क्रॉस ही कॉमन ले लो, झंझट ही खत्म। 1 माइनस 10x एक्स बाय बाई टू टू प्लस और 1 प्लस, ठीक 10x बाय टू है। हाँ अच्छा जी, फिर वही करना है, y इक्वल टू 10 इनवर्स 1 की जगह 10π/4 रख सकते हैं, तो 10π/4 माइनस 10x/2 10x 1 माइनस 1 प्लस 10 पाई बाय 4 10x बाय 2 तो 10x/2। ये हो जाएगा 10 इनवर्स 10 पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 अब इसकी वैल्यू देखने के लिए, क्योंकि ये तो कल वाले लेक्चर का फॉर्मूला बना, 10 इनवर्स 10 क्या होगा, हम देखते हैं। नॉर्मली आपके जो अधिकतर सवाल होते हैं वो प्रिंसिपल इंटरवल में आ जाते हैं, लेकिन अब हाँ देखते हैं, यहाँ से देखते हैं, ये जो ऊपर है ना, ये हम्म एक्स बाई टू पाई बाई टू से 3π/4 है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस एक्स बाई टू कहाँ आ जाएगा, थ्री पाई बाय फोर माइनस माइनस थ्री थ्री पाई पाई बाय बाई 4 से बड़ा और और माइनस पाई। माइनस छोटा अब इसमें π/4 जोड़ दो सब में, क्योंकि आपको यही चाहिए, π/4 माइनस एक्स बाई टू, एक्स पाई बाई बाई फोर जोड़े हैं तो ये -π/4 आ जाएगा, हाँ और यहां जोड़े तो माइनस ऐसा। तो 10 इनवर्स में जो प्रिंसिपल इंटरवल था वो -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल है, तो हाँ ये भी तो -π/2 से बड़ा ही है, तो हाँ ये प्रिंसिपल इंटरवल के अंदर ही एंगल आया है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और केवल क्या बचेगा, पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू इतना बड़ा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होकर ये बन गया बेटा।
हाँ अगर कोई मुझसे उसका इंटीग्रेशन पूछ लेता तब भी मैं पहले उसको सिंप्लीफाई करता। अब इंटीग्रेशन में बचा ही क्या है, डिफरेंशिएशन हाँ में भी कुछ नहीं बचा है। तो ये जानना जरूरी है, इन इन सवालों के लिए आपकी कई चीजों की समझ चाहिए, मॉड्यूलस फंक्शन चाहिए, टेन इनवर्स, तब आप चीजों को आसानी से कर सकते हैं। तो ये अच्छा लगा। हाँ अच्छा, तो अभी मैं इस लेक्चर में इतना ही बता रहा हूँ, फिर अगले लेक्चर में मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज शेयर करूंगा इसमें।